चोर लुटेरा भागेगा हमने तो हमारे आंदोलन का लक्ष्य आजादी घोषित किया हुआ, हम तो आजादी चाहते हैं। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि मुसलमानों को ब्राह्मण कहते हैं, घर वापसी करो। हम भी चाहते हैं, हम ब्राह्मणों को कह रहे हैं घर वापसी करो, हम भी तो कह रहे हैं। ब्राह्मण यूरेशिया के रहने वाले हैं, यहां के रहने वाले नहीं है, घर वापस करो भाई। हमारा भी तो घर वापसी का कार्यक्रम चल रहा है, वो तो यहाँ के रहने वाले थोड़ी है। तो हम लोग ज्यादा बड़े पैमाने पर घर वापसी का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? अभी हमारी जमान इतना बड़ा मुद्दा उठाने के लिए अभी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। मगर ये तो मुद्दा नेचुरल है, ये तो नेचुरल मुद्दा है। ये तो जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा,
तो जिस तरह से मंडल कमीशन को और उनके प्रतिनिधित्व के अधिकार को, आरक्षण का शब्द बहुत बदनाम हो गया है, तो आज से हम इसको प्रतिनिधित्व कहेंगे, क्योंकि प्रतिनिधित्व का विरोध करना संभव नहीं है, आरक्षण का विरोध करना संभव है। प्रतिनिधित्व का अगर आप लोकतंत्र मानते हो तो प्रतिनिधित्व मानना ही पड़ेगा, और अगर आप लोकतंत्र नहीं मानते हो तो आप पर आरोप आएगा कि आप लोकतंत्र नहीं मानते हो, तो आप डिक्टेटर हो, तो फिर आपकी बात क्यों मानेंगे, कोई भी नहीं मानेगा। तो एक तो इन लोगों ने रोकने के लिए शहीदी स्वीकार की, मगर मंडल को रोकने का प्रयास किया, रोकने की कोशिश की। दूसरी बात, इसके बावजूद भी 16 नवंबर 92 को मंडल लागू हो गया, तो यह लागू होने वाला था, 89 में ही लागू हो गया। जब 89 में लागू हो गया, नरसिंह राव प्रधानमंत्री हो गए, तो नरसिंह राव ने 90 में प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब था कि 52% लोगों को अब नौकरियां प्रशासन में देनी पड़ेगी। तो नरसिंह राव ब्राह्मण थे, वो भी काला ब्राह्मण थे, गोरा ब्राह्मण से काला ब्राह्मण ज्यादा खतरनाक होता है। तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया। अब प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में रिजर्वेशन है, प्राइवेटाइजेशन से रिजर्वेशन समाप्त होता है। अगर रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन